अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथ्स सिलेबस री की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, और उसी सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं। और उस बुक का आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखने जा रहे हैं, 5.6 देखने जा रहे हैं, जो कि एलजेब्रा से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या करना है। लेट्स स्टार्ट। कह रहे हैं क्वेश्चन में 1 से लेके 10 तक में जो लेटर बोल्ड में हैं उनको सब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट बनाने का मतलब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आपको उस चीज़ को, उस वेरिएबल को जिसको कि सब्जेक्ट बनाना है, उसको एक तरफ ना रखना होता है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना होता है। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, तो एम को बोल्ड किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अगर एम को बोल्ड किया हुआ है तो बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाएगा। डी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी और एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन जी और एम। तो ये हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे पास जो प्रिंट है वो थोड़ा सा रफ प्रिंट है, तो इसमें जो है ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ये किसको सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डी को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। अब मज़े की बात है कि डी स्क्वायर में है, सब्जेक्ट खाली डी को बनाना है। तो पहले तो ये मसला हल करते हैं, डी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एफ को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन एफ, ठीक है। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो जब ये अंडर रूट में आएगा तो ये अंडर रूट की वजह से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम एम अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है जी। 3 के अंदर जो है वो किसको हमने देना है, 3 के अंदर हमें डी को लेना है। तो ये डी को कैसे हम मैनेज करेंगे, पहले तो ए को उधर ले जाइए, तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ प्लस में है या माइनस में आ जाएगा, तो यू माइनस ए हो जाएगा। फिर ये सब कुछ डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सबको यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल्स टू के, तो ये सब कुछ वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बनाना है एन को सब्जेक्ट। तो एन सब्जेक्ट कैसे बनेगा, अगेन ए को पहले इधर ले जाते हैं, यू माइनस ए हो जाएगा, और ये फिर उधर चले जाएगा। अब कौन उधर जाएगा, अब डी उधर जाएगा, क्योंकि एन को सब्जेक्ट बनाना है, तो डी को दूसरी जो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ रह गया एन माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस वन दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, खाली एन बच जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं कर रहा, ताकि आपको एक दफ़ा में समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो आपको बनाना है सब्जेक्ट ए को, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे जो एच डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 के अंदर जो है वो सब्जेक्ट बनाना है एच को, तो एच को इधर ले जाएंगे, सी को इधर ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो आपको डी को बनाना है, तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आप खाली एस उधर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है वो टी को बनाना है, टी उधर ले जाएंगे, एस नीचे ले आएंगे। बस ये मैनिपुलेशन सिखा रहे हैं आपको कि इक्वल्स टू के एक तरफ से दूसरी तरफ जो हम वेरिएबल्स को लेके जाते हैं तो किस तरह से लेके जाते हैं। अगेन इसमें ए उधर चले जाएगा, पी इधर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो हमारे पास, क्वेश्चन 10 में सी को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो जो प्लस हो रहा है पहले इसको हटाएंगे, यहाँ से उधर लेके जाएंगे, तो एफ माइनस 32 हो जाएगा ये, ठीक है। एफ माइनस 32 इज इक्वल्स टू, अब सी के साथ 9/5 है, तो अब इन सब से जो है वो 5 जब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा और सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो ये हो गया। क्वेश्चन 11 तो और भी आसान है, उन्होंने आपको यही बता दिया कि उनको आंसर क्या चाहिए है, यानी ए को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सब कुछ उधर कैसे जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो इसको हटाएंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, या इजीली हट जाएगा, एस माइनस यू टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 a t² हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई वाली केस में आ गए, इन सब के साथ ये 2 डिवाइड करे तो 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा,
और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टी स्क्वायर डिवाइड कर जाएगा। तो ये देखें वही वाली चीज़ आ गई जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है, दो तीन स्टेप्स में करना है, मैंने डायरेक्टली इससे कर दिया कि ताकि आपका वक्त बचे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 के अंदर मेक द सब्जेक्ट एज ए एंड बी। ओके, थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ थोड़ा। सी अपॉन बी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी है, तो ये तो बहुत आसान है कि अगर ए को सब्जेक्ट बनाना है तो खाली बी को उधर ले जाइए तो ए अकेला सब्जेक्ट बन जाएगा, सी को सब्जेक्ट बनाना है तो डी उधर ले जाइए सी अकेला सब्जेक्ट बन जाएगा, और अगर बी को सब्जेक्ट बनाना है तो सिमिलरली बी को ऊपर ले जाइए उधर और सी को नीचे ले आइए डी को उधर ले आइए, तो ए अपॉन सी इंटू डी इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन है इधर से उधर करने की और इससे आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, ये भी बहुत आसान है, पहले प्लस वाला मूव करेगा इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू 5 - 3x हो जाएगा, फिर y में इसके पास से 2 हटा देंगे तो अपॉन 2 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। फिर फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, अब x की वैल्यू 6 लगा दीजिए, 5 - 3 * 6 अपॉन 2, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 - 6 = 18 अपॉन 2, तो 5 - 18 का मतलब हुआ कि 13 / 2 आ जाएगा, -13 / 2 ये हो जाएगा 2 6 = 12, 6 और नंबर 1 / 2 माइनस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मेक आर द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो पहले ए अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 है मेक आर द सब्जेक्ट, तो आर द सब्जेक्ट, आर को सब्जेक्ट बनाने के लिए पाई को उधर लेके जाए गए, आर स्क्वायर रह गया, अब आर स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग रूट रूट बोथ साइड हो जाएगा, तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन पाई हो जाएगा। यूजिंग ये कैलकुलेटर फाइंड फाइंड आर व्हेन ए इज इक्वल्स टू 20, तो अब करना क्या है, कैलकुलेटर में वैल्यू डालिएगा, ए की जगह 20, पाई की जगह 3.142, गिविंग यू आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, 20 / 3.142। अच्छा, मेरा आंसर आ रहा है इसका 2.5229, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हैं तो 2.52 आ जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही 5 से छोटा है तो 2.52 रह जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 और 16, लेट्स सी कि इसमें से कुछ आप खुद कर सकते हैं। फाइंड बी व्हेन एल व्हेन बी इक्वल्स टू 5 एंड सी इक्वल्स टू 3, ये आप खुद कर लीजिएगा, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। रीअरेंज द फॉर्मूला विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर, फाइंड व्हेन एल इज इक्वल्स टू 1.5 एंड पी इज इक्वल्स टू 20। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो सी जाहिर है इधर जाएगा और एल इधर आ जाएगा, तो सी को हम सब्जेक्ट बना देंगे और कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इसको सॉल्व करना है कि बी अगर 20 है और एल 1.5 है तो सी क्या होगा, तो ये आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा सिंपली, 1.5 / 20, सॉरी 20 / 1.5, इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, एक तो एक डेसिमल हटा के ऊपर ज़ीरो लगा दें, 200 / 15 हो जाएगा, 200 / 15 करने का करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 3 = 15, 5 4 = 20, तो 40/3 हो जाएगा, 3 1 = 3 और बचा 1 0 उतारा, 3 3 = 9 बचा, 1 0 उतारा, 0.33, 13.33 समथिंग इसका जो है वो आंसर आना चाहिए, या 13 होल नंबर 1/3, जैसे भी आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मेक एच द सब्जेक्ट, ये शाबाश खुद कीजिए, एच को सब्जेक्ट बनाइए बाकी सबको उधर लेके जाइए, मल्टीप्लाई ही हो रहा है ये सब कुछ एच से, तो ये तो एज इट इज़ उठ के बस उल्टा हो जाएगा, 1/2 2 बन जाएगा और जो ए प्लस बी है वो अपॉन में चला जाएगा। विदाउट यूजिंग योर कैलकुलेटर वैल्यूज़ दे दी इन्होंने, ए की 15, कैपिटल ए की 15, स्मॉल ए की 12 और बी की 9, इन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल के बताइए एच का इस नए फार्मूले के मुताबिक, तो ये सारा ही आसान था।
होपफुली आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड देन मूव ऑन टू 5.7 एंड मूव टूवर्ड्स कंप्लीटिंग द चैप्टर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।